हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की, और इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था प्रिज्म। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके तुरंत देखिएगा प्यारे बच्चों। अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा तो आज की लेक्चर, आज की क्लास आपको जबरदस्त समझ में आने वाला है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर उसके बाद इसी क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी वर्ण विक्षेपण का घटनाएं कहां पर होती है, आप उसको देख कहां पाते हैं, और उसके बाद साथ साथ में हम चर्चा करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। आज इन तीन टॉपिकों के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करने वाले प्यारे बच्चों। तो चर्चा करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की लेक्चर ये है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो होता कैसे है, आखिर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो है क्या, वो कैसे समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो एकदम बिल्कुल आसान, एकदम मक्खन के जैसा समझ में आ जाएगा, एकदम मक्खन के जैसा समझ में आएगा। चलिए, अब जो सूर्य होता है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, उसके उसमें जो प्रकाश किरणें निकलती हैं उनके एक प्रकाश किरण में 7 रंगे पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 7 रंग की प्रकाश किरणें पाई जाती है, अर्थात हम कह लें कि सूर्य की प्रकाश किरणों में कितने रंग के प्रकाश पाए जाते हैं भैया? 7 रंग के प्रकाश पाए जाते हैं। अब वो 7 रंग के प्रकाश जो है हम लोग नहीं देख पाते हैं अपनी आंखों से, तो जब वही सूर्य की जो श्वेत प्रकाश किरणें होती हैं, जब सूर्य की कोई श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती है, आप इसे पहचान रहे होंगे, ए बी सी जो है ये एक प्रकार का प्रिज्म है। ध्यान से समझिएगा कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती है और प्रिज्म में पड़ने के पश्चात, देखिए प्रिज्म में पड़ने के पश्चात बाहर का माध्यम विरल रहता है और अंदर का माध्यम क्या रहता है भैया? सघन रहता है। अंदर का माध्यम क्या रहता है? सघन रहता है। तो जब विरल से सघन में प्रकाश किरणें प्रवेश करती है ना, तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? विरल से सघन में प्रवेश करने के पश्चात, अब यहां तो आप अभिलंब खींचे नहीं है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरणें प्रिज्म के अंदर विरल से सघन में जाती है तो वो प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है। अपवर्तित होने के पश्चात आधार की ओर झुक जाती हैं, प्रिज्म के आधार की ओर क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो रही? अर्थात जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है तो प्रिज्म में प्रवेश करने के पश्चात वो आधार की ओर झुकते हुए 7 रंगों में बट जाती है। 7 रंगों में बटना ही प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है, प्रिज्म के अंदर प्रवेश करने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही होंगी? अब जो मैंने बोला है वो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है प्यारे बच्चों। यदि आप वहां से नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। अब जो 7 रंग क्रम बटे हैं, जो प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण हुआ और जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंग में बट गए, वो 7ों रंग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है, जामुनी होता है, बैगनी होता है। अब आप सोच रहे होंगे प्यारे बच्चों कि आखिर इनको हम याद कैसे करें, तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है इनको याद करने का वो हम आपके सामने लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। वो जो ट्रिक है उसके माध्यम से आप इसे आराम से बता सकते हैं। चलिए मान लीजिए, अब देखिए ट्रिक जो है, इसका पहला वर्ड उठा लेते हैं यहां से वी, फिर इसका पहला वर्ड उठा लेते हैं आई, इसका पहला वर्ड उठा लेते हैं बी, इसका पहला वर्ड उठा लेते हैं जी, इसका पहला वर्ड उठा लें वाई, इसका पहला वर्ड उठा लें ओ, इसका आर। यानी ट्रिक जो है, ट्रिक नंबर 1 जो याद करने का तरीका है
वो है बिब ग्योर। बिब ग्योर ये आप इंग्लिश में याद करने का तरीका है कि जो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है, अगर एग्जाम में पूछा था आपको सातों रंग ऐसे दिखाना पड़ेगा वहां पर क्रम में, तो वो सातों रंगों को याद करने का तरीका क्या है, बिब ग्योर। बिब ग्योर ध्यान देना, ये जो वर्ण क्रम है प्यारे बच्चों वो नीचे से ऊपर की तरफ गए हो आप, नीचे से ऊपर की तरफ गए हैं, तो वी से हो जाएगा वायलेट अर्थात बैगनी, आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, बी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन माने हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज माने नारंगी, रेड माने लाल। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अर्थात बिब ग्योर एक ऐसी ट्रिक है जिसकी सहायता से आप आराम से बता सकते हैं कि वो सात रंगे कौन किस क्रम पे आती है। ठीक, अब बात करते हैं एक ट्रिक की और बात कर लेते हैं, आप उससे भी आसानी से बता सकते हैं प्यारे बच्चों। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है बैजनी आह पिनाला, बैजनी आह पिनाला। आप इससे भी बता सकते हैं। अब बैजनी से कैसे बताएंगे? बै से हो जाएगा बैगनी, ज से हो जाएगा जामुनी, नी से हो जाएगा नीला। फिर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है अ का यहां पर कोई मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, केवल ये वर्ड हम बनाने के लिए लिखा गया है यहां पर। फिर ह, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो आ है, आ वर्ड आया है, इसका यहां पर कोई मतलब नहीं है, और बाकी सभी शब्दों से हम ध्यान देंगे। बै से बैगनी बन रहा है, ज से जामुनी बन रहा है, नी से नीला बन रहा है, ह से हरा बन रहा है, पी से पीला बन रहा है, न से नारंगी बन रहा है, ला से लाल हो जा रहा है। बात समझ आ रहा है? तो भैया वो सात क्रम याद करने के जो तरीके हैं वो यहां पर है, बिब ग्योर या बैजनी या पिनाला के माध्यम से हम आराम से बता सकते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरणें प्रिज्म पे पड़ती हैं तो प्रिज्म में पड़ने के पश्चात वह सात रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से लाल रंग जो है सबसे ऊपर होता है और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। लाल रंग जो है अपने मार्ग से बहुत ही कम विचलित होती, देखिए वास्तविक मार्ग ये है, अब इनसे ये जो लाल रंग है ना ये बहुत कम विचलित हुई है, परंतु बैगनी रंग सूची इतना ज्यादा विचलित हो गई है। अर्थात लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है भैया और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही होंगी? तो ये भी पॉइंट हम लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों कि प्रिज्म में जो होता है वो लाल रंग का जो विचलन सबसे अधिक होता है, सॉरी कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है सबसे कम होता है, और अगले पॉइंट की बात करें तो बैगनी रंग का विचलन, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो पा रही होगी प्यारे बच्चों? लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है, बैगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या इतनी बातें आपकी क्लियर हो पा रही होंगी? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों? चलिए अब हम आगे की टॉपिक की चर्चा करेंगे। आगे की टॉपिक ये है कि जो प्रिज्म में जो वर्ण विक्षेपण की घटना घटित हो रही है, ये वर्ण विक्षेपण की घटना पे आधारित क्या हमारे जीवन में कहीं इनका उपयोग है? क्या हम ये इनके घटनाओं को देख पाते हैं कि केवल ऐसा ही होता है? तो वो चर्चा करने से पहले एक बार मेरा मन कर रहा है कि ये टॉपिक आपको फिर से बता दिया जाए कि जिसे पूर्ण रूप से आपके क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों हमने क्या बताया, भैया जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो वो सात रंगों में बट जाती है। सात रंगों में बटना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब वो सात रंगों को याद करने का तरीका एक है बिब ग्योर और एक है बैजनी या पिनाला। अब बिब ग्योर से हम लोग जानते हैं वी से वायलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड,
इस प्रकार याद करते, ध्यान देना। परंतु जो सारे ये जो ट्रिक आया प्यारे बच्चों, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। ये नहीं कि आप बी से वॉलेट यहां से लिखना स्टार्ट कर दोगे, ना ऐसा नहीं करना प्यारे बच्चों, यहां से लिखना है ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक हिंदी वाला ट्रिक अपनाया, बैजनी आ पिनाला। उसमें आ वर्ड का कोई भी अर्थ नहीं है यहां पर, यहां पर बै से बैजनी हो जाता है, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ला से लाल हो जाएगी। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप यहां पर बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह हेडिंग मक्खन के जैसा क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जो चीजें मैंने बोला है या प्रिज्म के प्रकाश का वर्ण विच्छेद की डिफिनेशन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रही होगी, तो आप वहां से लिख लिए होंगे ठीक। अब हम बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज, प्रकाश के वर्ण विच्छेद का जो प्राकृतिक एग्जाम्पल होता है, जो प्राकृतिक उदाहरण होता है, वो आपको देखने का आता है। कभी कभी प्यारे बच्चों जब बरसात होती है, बरसात होने के बाद आप लोग देखते होंगे आकाश में एक इंद्रधनुष या एक धनुष आकृति का दिखाई पड़ता है, जो कि कई रंगों का होता है। कई रंग क्या होते हैं, वो सात रंग के होते हैं, उसे आप लोग इंद्रधनुष कहते हैं। पहले बच्चों आपने कभी सोचा कि वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या कारण है वहां बनने का, या कोई ले जाके रख देता होगा? तो ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चों, वहां इंद्रधनुष बनता क्या कैसे है वो आज उसकी एक्सप्लेन करने वाले हम प्यारे बच्चों, कि आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है प्यारे बच्चों, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उसी के लिए हम लोगों ने ये डायग्राम बना के रखा है, जिससे कि आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, जब स्थिति क्या होती, पहले हम जान लेते हैं कि इंद्रधनुष बनता कब है। जब बरसात होती है और बरसात होने के बाद तुरंत धूप हो जाए, तब इंद्रधनुष दिखाई पड़ता होगा, या बरसात होती रहे और धूप हो जाए तब इंद्रधनुष दिखाई पड़ता। दो ही स्थिति में, बरसात होने के बाद तुरंत धूप हो जाना तब इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, और जब धूप रहे उसी समय बरसात भी होता रहे तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता। क्या इतनी दो बातें आपको समझ में आ रही हैं, कि यानी आसमान में इंद्रधनुष जो दिखाई पड़ता है उसकी दो कारण है, दो स्थितियां हैं। वो दो स्थितियां ये है कि बरसात होने के बाद तुरंत धूप हो जाए, या धूप होते धूप हुआ रहे उसी समय बरसात हो जाए तो इंद्रधनुष बनता है। तो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, जब बरसात होने के बाद, जब बरसात होती रिमझिम करके बरसात हो गई, और बरसात होने के बाद जब तुरंत धूप हो जाता है, जैसे बरसात हुई और धूप हो गए, तो प्यारे बच्चों बरसात की कुछ बूंदे आसमान में रुक जाती हैं, बरसात की कुछ बूंदे जमीन तक नहीं आ पाती, और वो आसमान में क्या हो जाती है, रुक जाती है। और जब सूर्य प्रकाश, सूर्य निकलता होगा या जब धूप होती है, तो सूर्य की प्रकाश किरणें उन जल की बूंदों पर पड़ती हैं, उन जल की बूंदों पे पड़ेंगी, और जल की बूंदे एक प्रिज्म के भांति व्यवहार करती हैं, और जल की बूंदों पर जब सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तो सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ने के पश्चात वह सात रंगों में विभक्त हो जाती हैं, और सात रंगों में विभक्त हो जाती हैं, और एक सकेंद्री यानी एक सकेंद्री वृत्त चाप, एक चाप का निर्माण कर लेते, सकेंद्री चाप का निर्माण कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे सर जी सकेंद्री चाप, सकेंद्री मतलब होता है कि जो वो सात रंग में बटे हैं वो सातों रंग का केंद्र एक ही है, केंद्र एक ही है, और चाप यानी ऐसे करके प्यारे बच्चों वो सात रंगों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष का नाम देते हैं। क्या, आइए हम समझाते हैं इंद्रधनुष में प्रोसेस क्या होता है, कि जब भैया बरसात होने के बाद तुरंत धूप हो जाती है, तो ये जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती है वो चलते हुए वर्षा की बूंदों पर आपतित हो जाती हैं, वर्षा की बूंदों पे पड़ जाती हैं। ये देखिए सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें वर्षा की बूंदे यानी क्यू पर पड़ रही हैं, और क्यू पर इनका अपवर्तन होता है, बिंदु क्यू पर एक बार इनका क्या होगा, अपवर्तन होगा, अर्थात ये अपने मार्ग से क्या होंगी, विचलित होंगी।
अब विचलित होने के बाद ये जैसे ही अपने मार्ग से विचलित होती है प्यारे बच्चों, अब वो वर्षा की बूंदों के दूसरे पृष्ठ आर पे पड़ती है और आर पे यहां इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी यहां से ये पूर्ण रूप से लौटते हुए बिंदु एस पर आपतित होती है और बिंदु एस से बाहर की तरफ निकल जाती है प्यारे बच्चों, जिससे लाल रंग ऊपर होता है, बैंगनी रंग नीचे होता है और बाकी जो पांच रंग है वो इन्हीं के बीच में है, वो इन्हीं के बीच में दिखाए गए। केवल लाल और बैंगनी इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो क्रम होता है ऊपर होता है, बैंगनी रंग का नीचे होता है, इन्हीं के बीच में सब आने वाले हैं। एक बार फिर से अगर पूछा गया कि इंद्रधनुष बनता कैसे है तो बताएंगे, जब सूर्य की प्रकाश किरणें जल की बूंदों पे पड़ती हैं तो जल की बूंदों पे पड़ने के पश्चात उनका एक बार अपवर्तन होता है, और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर दोबारा से अपवर्तन होता है, जिस तब जो बनी धनुष होती है वो आपकी प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाती है प्यारे बच्चों। इस प्रकार के इंद्रधनुष को हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे, अर्थात वह इंद्रधनुष जिसमें लाल रंग ऊपर हो और बैंगनी रंग नीचे हो उसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और कभी कभी प्यारे बच्चों इसी धनुष के ऊपर एक और धनुष दिखाई पड़ता है, उसका उसमें बैंगनी ऊपर होता है लाल नीचे होता है, उसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही होंगी प्यारे बच्चों? इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जब बरसात होती है, बरसात होने के बाद तुरंत धूप हो जाए, बरसात होने के बाद जब तुरंत धूप निकल जाती है तो जो सूर्य की प्रकाश किरणें रहती हैं वो वर्षा की बूंदों पर पड़ती हैं, वर्षा की बूंदें पड़ती है और वर्षा की बूंद एक प्रिज्म के भांति व्यवहार करता है प्यारे बच्चों। और जैसे ही सूर्य की प्रकाश किरणें वर्षा की बूंदों पे पड़ेंगी, वर्षा की बूंदों के पड़ने के पश्चात वो सात रंगों में विभक्त हो जाती हैं और सात रंगों में विभक्त होके सकेंद्री एक चाप का निर्माण कर लेते हैं। सकेंद्री मतलब ये सभी रेखाओं का जो केंद्र है वो एक है और चाप का मतलब होता है प्यारे बच्चों इस प्रकार का एक छोटा सा खंड। सकेंद्री चाप का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। और उसमें से लाल रंग ऊपर होता है और बैंगनी रंग नीचे होता है, अर्थात लाल रंग का क्रम ऊपर रहेगा, बैंगनी रंग का क्रम नीचे रहेगा, इसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहेंगे। और कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर ही एक और इंद्रधनुष बन जाता है जिसमें बैंगनी रंग ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है प्यारे बच्चों, उसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो पा रही होंगी? अब ये तो रहा आपको प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। अब इंद्रधनुष बनता कैसे? देखो, जब सूर्य की प्रकाश किरणें वर्षा की बूंदों में पड़ती हैं तो एक बार उनका अपवर्तन होता, अपवर्तन के साथ साथ यहां वर्ण विक्षेपण भी हो गया। देखिए, मैंने समझा के रखा प्यारे बच्चों, यहां वर्ण विक्षेपण भी हुआ, इस पृष्ठ से अपवर्तन हुआ और जैसे ही अंदर गई वैसे ही उनका क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण, अर्थात वो सात रंगों में बट गई। ये प्रकाश किरणें सात रंगों में बट गई। अब सात रंगों में बटने के बाद जब वो वर्षा के दूसरे पृष्ठ पे पहुंचती है, वर्षा की बूंद के दूसरे पृष्ठ पे पहुंचती है, तो वहां पूर्ण रूप से परावर्तन होता है। पूर्ण रूप से परावर्तन होने के पश्चात वो वर्षा की पहले ही पृष्ठ पे आ जाती है और फिर से इनका यहाँ अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के पश्चात लाल रंग ऊपर हो जाता है, बैंगनी रंग नीचे हो जाता है, इसे हम लोग इंद्रधनुष का नाम देते हैं। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो पा रही होंगी? जी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आज के बाद जब आप लोग इंतजार कीजिएगा, बरसात हो, बरसात होने के बाद जब तुरंत धूप हो, तो आप देखिएगा क्या आपको प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं। जल्दी नहीं दिखाई पड़ता प्यारे बच्चों, क्योंकि द्वितीयक इंद्रधनुष का जो रंग होता है काफी हल्का होता है, प्राथमिक की तुलना में काफी हल्का होता है, इसलिए वो आपको जल्दी दिखाई नहीं पड़ते। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का जो प्राकृतिक उदाहरण है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है। जैसे एग्जाम में पूछा कि इंद्रधनुष के बनने से आप क्या समझते हैं, आपके एग्जाम में पूछा, चार नंबर का पूछेगा, तो आप ऐसे बताएंगे, जब बरसात होने के बाद तुरंत धूप हो जाती है तो सूर्य की प्रकाश किरणें वर्षा की बूंदों पे पड़ती हैं और वर्षा की जो बूंदें होती है वो प्रिज्म के भांति व्यवहार करती रहती है, और जब वर्षा की बूंदें प्रिज्म पर पड़ती हैं तो वो प्रिज्म उनको सात रंगों में बांट देता है, और वो सात रंग में जो बटे हुए प्रकाश किरण होते हैं वो एक सकेंद्रीय चाप का निर्माण करते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इंद्रधनुष कहते हैं।
अब इन धनुष का आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद वहां नीचे लिखना है व्याख्या में क्या लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश वर्षा की बूंद बिंदु क्यू पे पड़ती है तो बिंदु क्यू पे पड़ने के पश्चात वहां अपवर्तन होता है, अपवर्तन के साथ साथ वो सात रंगों में विभक्त हो जाती है, फिर वर्षा के दूसरे पृष्ठ पर आर पर पड़ती है तो वहां उनका पूर्ण रूप से परावर्तन होता है, पूर्ण रूप से परावर्तन होने के पश्चात वो वर्षा के पहले ही पृष्ठ पे आ जाती है जहां यश नाम है आपका, ये पहले पृष्ठ पर अपवर्तन होने के कारण वो एक सकेंद्री चाप का निर्माण कर लेते हैं जिसमें लाल रंग ऊपर होता है, बैगनी रंग नीचे होता है। इस प्रकार की इंद्रधनुष को हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं और कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर ही एक द्वितीयक इंद्रधनुष बन जाता है जिसमें बैगनी रंग ऊपर हो जाता है, लाल रंग नीचे हो जाता है, वर्णक्रम उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें जरूर समझ में आई होंगी प्यारे बच्चों। अब वहां पर जो हमने ये सारी चीजें बोला है, या तो आप हम बोल रहे थे तब लिख लिए होंगे या तो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है इस समय, अब आप देख के लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम चर्चा कर लेते हैं वायुमंडली अपवर्तन का, अर्थात वायुमंडली अपवर्तन क्या होता है। ताइए हम समझते हैं वायुमंडली अपवर्तन क्या होता है। इतनी देर तक हम लोगों ने समझा प्रिज्म में अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणें विचलित हो जाती है, तो वही प्रोसेस यहां पर भी होगा। परंतु यार वायुमंडल में आपने सुना होगा पूरा हवा ही होता है, पूरा हवा होता है, तो आखिर हवा में माध्यम कहां बदलता है। जब प्रकाश किरणें एक ही माध्यम में जाती रहे तो वहां तो अपवर्तन की घटना घटित नहीं होती, परंतु वायुमंडल में अपवर्तन की घटना कैसे घटित होती है प्यारे बच्चों, इस बात को आज हम समझेंगे। उसको समझने के लिए केवल दो पॉइंट याद रखना, केवल दो पॉइंट प्यारे बच्चों ध्यान से। जो ठंडी हवाएं होती हैं, अगर ठंडी हवाएं हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठंडी हवा सघन माध्यम के जैसा व्यवहार करती है। किस माध्यम के जैसा प्यारे बच्चों, सघन माध्यम के जैसा व्यवहार करती है। और जो गर्म हवा होती है, जो गर्म हवा होती है वो किसको व्यक्त करती है, ये विरल माध्यम को। किसको व्यक्त करती है प्यारे बच्चों, विरल माध्यम के जैसा व्यवहार करती। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि भैया ठंडी हवा सघन माध्यम को और गर्म हवा विरल माध्यम को। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन का। यहां से अब जो वायुमंडल होता है वहां विभिन्न, जो वायुमंडल होता है आप लोगों का, वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतें होती हैं, कोई ठंडी परतें होती है, कोई गर्म परतें होती हैं प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे परतें गर्म होती जाती है और जो ऊपर का परत होता है वो ठंडा होता है, एक दूसरे के सापेक्ष ठंड। जैसे ये पहली ये पृथ्वी के नजदीक वाली परत होगी ये गर्म होगा, ये सघन हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा, सॉरी ये विरल हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा, ये दो परतें हो गई ना। आप जैसे एज एग्जाम्पल कैसे समझाया आपको प्यारे बच्चों कि इसे हमने क्या कहा, यहां पर आ जाइए, ये वायुमंडल हो गया आप लोगों का, ऐसे करके कई वायु की लेयरें बना लेते हैं हम लोग, ठीक। अब जैसे जैसे ये हो गई वायु, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गया आपका पृथ्वी, ठीक। अब आप समझिए जरा सा, ये आपकी हो गई पृथ्वी और ये आपका हो गया वायुमंडल, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब ये ठंडी होगी, इस ये ठंडी होगी इसकी तुलना में, परंतु ये वाली इसकी तुलना में गर्म होगी। तो हम करते क्या है, मान लेते हैं कि ये अधिक सघन होगा, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, अधिक सघन, सबसे ज्यादा इन चारों परतों में, पांचों परतों में सबसे ज्यादा सघन होगा, फिर ये कम सघन होगा, ठीक। ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, ये कम सघन होगा, फिर उसके बाद धीरे 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 हम लोग क्या करते हैं कि ये कम विरल होगा, ये क्या होगा, कम विरल होगा, फिर उसके बाद ये अधिक विरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अधिक विरल हो जाएगा, और ये जो सबसे ये वाली है ना, ये और ज्यादा विरल हो जाएगी, सबसे ज्यादा विरल। तो इस परत को थोड़ा सा हम लोग मूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अब देखिए चार परत हम लोगों ने बताया, एक अधिक सघन है, एक कम सघन है, एक कम विरल है, फिर एक अधिक विरल है। मतलब देखिए लगातार जो है वायु के जो ये वायु के वायु है वो बदल रही, मतलब जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे आप विरल माध्यम में प्रवेश करते जाएंगे और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे सघन माध्यम। तो भैया जब जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं, जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, जब सूर्य की प्रकाश किरण वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है, जब सूर्य की प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करता होगा और वायुमंडल से प्रवेश करने के पश्चात प्यारे बच्चों
उनको विभिन्न वायु के परतों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल में केवल वायु की परतें ही होती हैं। तो भैया विभिन्न वायु के परतों से गुजरना पड़ता है। एक बार फिर से, जब सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उनको विभिन्न वायु के परतों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, और यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अब कैसे होता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि वायु की जो विभिन्न परतें हैं वो ऊपर वाली जो परत होती है सघन होती है, धीरे धीरे नीचे आते आते विरल होती जाती है। तो जब सघन से विरल में प्रवेश करेंगे, मतलब जैसे ही माध्यम बदलेगा वैसे ही प्रकाश किरणों का क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन हम लिखना चाहें तो प्यारे बच्चों ये लिख सकते हैं, या तो आपको स्क्रीन पे वायुमंडलीय अपवर्तन की डिफिनेशन दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों एक बार फिर से मैं आपको वायुमंडलीय अपवर्तन समझा देना चाहता हूं कि जब सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उन प्रकाश किरणों को विभिन्न वायु के परतों से होकर गुजरना पड़ता है, और विभिन्न वायु की परतें जो है अलग अलग माध्यम को व्यक्त करती हैं, जिसके कारण जो है प्रकाश किरणों का विचलन हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरणें परिमार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों वायुमंडल में अपवर्तन की घटना कैसे घटित होती है आपको जरूर समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जो अगली क्लास होगी उसमें वायुमंडल अपवर्तन पर आधारित घटनाओं की बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात वायुमंडल में अपवर्तन की घटना हमारे जीवन में क्या, उनको कैसे समझ सकते हैं। तो वहां इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे प्यारे बच्चों, जैसे रात में तारे का टिमटिमाना और तमाम प्रकार की चीजों की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को आप लोग मिस ना कीजिएगा, साथ साथ में इस क्लास को खूब अच्छे तरीके से देखिए और एंजॉय कीजिए और समझिए प्यारे बच्चों कि आपकी जो चीज थी, जो चीजें आपको अधूरी लग रही थी, वो चीजें आज क्लियर हो गई होंगी प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।